हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन रितु। आज मैं आपके साथ विनिंग फूड पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विनिंग फूड्स क्या होते हैं। व्हेन इंट्रोड्यूस योर बेबी इज टू सेमी सॉलिड डाइट, मतलब जब आप व्हेन आपका बच्चा 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तब हम जो उनको फूड्स स्टार्ट करते हैं, तो कैसे फूड्स हमें उनको देने चाहिए वो मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उनसे। सबसे पहले तो हमें पता है एटलीस्ट 6 मंथ तो हमें मदर फीड देनी चाहिए, मदर फीड पे होना चाहिए ये। दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री फूड। जब आपका बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर जाता है, तो आपने अपने बेबी को मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो चीज़ें आप फूड में दे सकते हो, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जब भी अपने बेबी को फूड्स स्टार्ट करने हैं, तो ट्राई करें कि वो फूड जो है ब्लैंड होने चाहिए, मैश्ड होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, वो इजी टू डाइजेस्ट वाले फूड्स होने चाहिए। ठीक है, लाइक ये जो है, हाँ, सूजी खीर है, अभी थोड़ी ड्राई हो गई है, बट आप पूरे लिक्विड फॉर्म में बना के दे सकते हो। ये जैसे खिचड़ी है, ठीक है, और ये फ्रूट योगर्ट है, और दिस वन इज़ हलवा, और ये है हमारा दलिया, साबूदाना खीर, और ये इडली है, सॉफ्ट इडली। ये आपने सॉफ्ट कैरेट बीटरूट डाले हुए हैं, ये आपने इडली, और ये वेजिटेबल सूप आप ये दे सकते हो। बट आपने ये आप पूछोगे कि इसमें शुगर ऐड की है, कभी भी हमें बच्चों को जब भी हम स्टार्ट करते हैं उनको खाना देना, एटलीस्ट 1 or 2 ईयर हम उनको शुगर और स्वीट्स और शुगर और सॉल्ट, रिफाइंड चीज़ें नहीं देते हैं। इसमें हमने डेट्स की प्यूरीज डाली हैं एक तो, और सेकंड बनाना फ्रूट की प्यूरीज डाली हैं, और सेकंड हमने जो है इसमें जैगरी ऐड किया है। तो आपने कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है बेबीज़ को 6 मंथ के बाद, वो है लाइक जैसे आप नट्स नहीं दे सकते, एग्स नहीं दे सकते, स्वीट, सॉल्ट, हनी, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो ये विनिंग फूड्स पे किसी स्टूडेंट ने अपनी थीसिस कंप्लीट करनी थी, जो मुझे चेक करवाने के लिए आए हैं, तो सोचा मैंने कि आपको ये वीडियोज़ में मैं बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें स्टार्ट करनी चाहिए बेबीज़ को। ओके, थैंक यू सो मच।